भारत नेपाल मैत्री समाज के तत्वावधान में विजय कारगिल दिवस के अवसर पर कूड़ाघाट तिराहे पर स्थित अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भारत नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्त ने अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग के प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प चक्र समर्पित कर कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद किया। इस अवसर पर भारत नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्त ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत नेपाल मैत्री समाज के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय मोहनलाल गुप्त जी ने शुरू किया था, जिसे आज पूरा देश गर्व के साथ मना रहा है और आगे भी मनाएगा। उन्होंने कहा, हमारे सेना के जवानों ने आज ही के दिन कारगिल में विजय हासिल की थी तथा इस युद्ध में कई जवान शहीद हो गए थे। इस अवसर पर ओंकार नाथ मिश्रा, अबुल हसन अंसारी, रामराज प्रसाद, पी के पांडे, राम वृक्ष, बी एन पोद्यार, अभिनंदन मिश्रा, आर एन पांडे, सूरज यादव, शिवाजी यादव सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्त ने कहा, अनिल कुमार गुप्त, अध्यक्ष भारत नेपाल मैत्री समाज। देखिए, हम अपने सेना के जवानों को, जिन्होंने कारगिल युद्ध को कारगिल विजय में तब्दील किया है, उन शहीद हुए जवानों को आज हम लोग अपने तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही हम अपने सेना के मनोबल को ऊंचा बढ़ाने के लिए कारगिल विजय दिवस को भी मना रहे हैं। इस कार्यक्रम को हमारे भारत नेपाल मैत्री समाज के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय मोहनलाल गुप्ता जी ने इसकी शुरुआत की। आज पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। हम लोग इससे अभिभूत हैं, प्रसन्न हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।